गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 11, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे वी शैल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। ओके, दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर 5 है, इसके बाद ग्रेविटेशन है। ओके, इसमें बेसिकली हम बिगिनिंग में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें पहला टॉपिक ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, देन वी विल रिलेट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इनटू रोटेशनल मोशन ऑफ ए सिस्टम। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर रोटेशनल मोशन को ही डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिकली इसमें। ठीक है, इससे पहले जितना भी मोशन हम लोग डिस्कस करते थे कि बॉडी लीनियर मोशन हम कहते थे। ओके, लीनियर मोशन कहते थे, कोई बॉडी कोई रोड में जा रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई प्लेन में ही स्ट्रेट जा रहा है, तो स्पेस कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में बॉडी का मोशन था तो वो एक तरह से लीनियर मोशन था। ओके, लीनियर मोशन हम कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल हमने देखा मोशन ने प्लेन वाई एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स के लिए देखा। अब यह सिस्टम है कि रोटेशनल मोशन है, सिस्टम का रोटेशनल मोशन है। जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल, ए फैन इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ओके, सेंटर में है, यहां पे जैसे ये सिस्टम है, ये एक इसको सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये रोटेट कर रहा है तो हो सकता है कि यहां पे एक एक्सिस है। ठीक है, सेंटर में एक एक्सिस है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक एक्सिस यहां पे है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेशन में एक जगह से दूसरे जगह ऑब्जेक्ट नहीं जाता है, ये अबाउट एन एक्सिस द बॉडी रोटेट्स, अबाउट एन एक्सिस द बॉडी रोटेट्स। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में देखेंगे रोटेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, ए बॉडी किस कंडीशन में रोटेट करता है, उसका रोटेशन है तो क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारा टर्म्स को इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे कि जैसे एक बॉडी को लीनियर मोशन देने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, तो यहां पर बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ये एक सिस्टम है, ऐसे ये एक एक्सिस और ये रिजिड बॉडी है, तो ये रोटेट करने के लिए हमको यहां पे एक फोर्स दे सकते हैं, ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा यहां पे, तो इस फोर्स को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट एन एक्सिस अगर ये फोर्स अप्लाई होता है तो यहां पे इसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि एक फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, यहां पे हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। उस टॉर्क के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एक डेफिनेशन आप लिखिएगा। ओके, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिख लीजिए, तब मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, ओके, इज डिफाइंड एज ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसेंट्रेटेड। द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम शैल रिमेन अनडिस्टर्ब इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम वेयर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, एट फर्स्ट यू राइट दिस डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम शैल रिमेन अनडिस्टर्ब इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम वेयर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, यू जस्ट नोट डाउन इट्स, देन वी विल
explain and we'll find a derivation for small derivation for center of mass of a system of particles. सबसे पहला बात है कि हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसको कहेंगे. इसमें दो चीज है. एक टर्म हम बार बार इसको प्रोनाउंस करेंगे, रिजिड बॉडी. ठीक है, तो देखिए हम कहते हैं ना कि अगर यहां पे मेनली हम रोटेशनल मोशन को ही डिस्कस करेंगे तो रोटेशनल मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सिस. ठीक है, वो एक्सिस हो सकता है कि एक इमेजिनरी एक्सिस हो सकता है. ठीक है, या फिर एक फिजिकल एक एक्सिस बीच में बन सकता है. जैसे एक फैन रोटेट कर रहा है तो बीच में एक रॉड है, वो एक्सिस है. ठीक है, तो वो विदाउट दैट द फैन कैन नॉट रोटेट. ओके, उसी तरह से देखिए हम एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन हो सकता है, फिजिकल लाइन हो सकता है जिसको हम एक्सिस मान सकते हैं. और ये कोई भी इरेगुलर शेप का बॉडी हो सकता है. ठीक है, ये एक बॉडी है जिसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. ठीक है, सॉलिड बॉडी है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स एटम्स का साइज और कहीं मूव में नहीं है, मोशन में नहीं है. ठीक है, तब ये रिजिड हो गया. सॉलिड स्ट्रक्चर को हम रिजिड स्ट्रक्चर कहते हैं. तो ये एक इरेगुलर बॉडी है जिसमें हम मान के चलते हैं कि इसमें कितना पार्टिकल से बना हुआ है. हम मान के चलते हैं कि ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. छोटा छोटा कहने के तो एक बॉडी है तो ये छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होगा. तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ रिजिड बॉडी. दिस रिजिड बॉडी यू कैन इमेजिन दिस कैन बी अ डस्टर. ठीक है, तो डस्टर छोटा छोटा कहीं ना कहीं एटम्स मॉलिक्यूल्स छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा. ठीक है, तो रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स. मान लेते हैं कि इसका इसका एक एक्सिस हम नाम दे दिए एक्स, जैसे हमने एक्सिस दे दिए. ठीक है, ये इस तरह से एक रिजिड बॉडी है और ये एक एक्सिस है. ठीक है, और तो दिस रिजिड बॉडी इज पाइवोटेड, मतलब उसको हैंग किया गया है, पाइवोटेड अबाउट एन एक्सिस सो दैट इट कैन रोटेट. यही कंसेप्ट है. ठीक है, तो रिजिड बॉडी का कोई जरूरी नहीं है कि कोई रेगुलर शेप होगा, इट कैन बी एनी शेप. ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे consider a rigid body consisting of n number of particles. ठीक है, ये n number of particles से ये बना हुआ है. ठीक है, having masses okay, having masses m1 m2 m3 ठीक है, m4 .. mn. ठीक है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि इसका पहला पार्टिकल का मास m1 है. ठीक है, जो कि इस एक्सिस से r1 डिस्टेंस में हो सकता है. ठीक है, इसका दूसरा पार्टिकल m2 है जो कि r2 डिस्टेंस में है सेंटर से. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से. सेंटर से कौन सा डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. इसमें एक पार्टिकल ये भी हो सकता है कि m3 ये r3 डिस्टेंस में है. ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस. इसमें एक पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल हो सकता है यहां पे बहुत क्लोज, m4 जो कि r4 डिस्टेंस में. तो इस तरह से कितना पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है. तो जो लास्ट पार्टिकल, जो nth पार्टिकल है, सपोज ये मान लेते हैं कि ये nth पार्टिकल है जो कि rn डिस्टेंस में है, ये mn है. तो हम लिखेंगे having masses m1 m2 m3 m4 .. mn okay, which are
ओके एट डिस्टेंसेस आर एट डिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर डॉट 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 आर एन. इसका मतलब है कि एम वन मास जो है वो आर वन डिस्टेंस में है, आर वन डिस्टेंस में है. एम टू मास आर टू डिस्टेंस में है. एम थ्री मास आर थ्री डिस्टेंस में है. इस तरह से एम एन वाला जो मास है वो आर एन डिस्टेंस में है. ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस. From the axis, axis का नाम भी हमने दिया हुआ है x axis.